बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमने 500 ग्राम गुड़ ले लिया, 500 ग्राम हमने चावल लिए हैं। किशमिश हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल देंगे, 4-5 हम सब्ज़ इलायची डालेंगे और 1 चम्मच उसमें सौंफ डालेंगे। जी देखची में हमने सबसे पहले गुड़ डाल दिया, गुड़ को हमने धो लिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और इसका शीरा बना लेंगे। जी शीरा हमने बना लिया है। अब हम इस चावल उबालने के लिए पानी रखा है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1-2 चुटकी बस नमक की डालेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म होता है हम इसमें चावल डाल देंगे। जी पानी भी बॉयल आ गया है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। जी अब इसके पकने तक हम इसको छोड़ देंगे। जी हल्का सा दम दिए, आप देखें हमारे चावल सेमी रेडी हैं। देखें हल्का हल्का सा पानी है, ये हम इसको निथार लेंगे और फिर इसको तड़का लगाएंगे। जी अब हम इसको तड़का लगाने के लिए इसमें ऑयल डालेंगे, आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसमें इलायची डाल देंगे। इलायची डालने के बाद हम इसमें सौंफ डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे लेकिन इसको काला नहीं करना। जी अब हम इसमें गुड़ का शीरा डाल देंगे जो हमने पका कर छान लिया था। जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। शीरे में अच्छी तरह से मिक्स कर दें चावल और फिर इसको हम दम दे देंगे। जी चावल दम पे लगा दिए थे, आधा घंटा दम दिया है, उसके बाद ये किशमिश डालकर इसको गार्निश किया है और हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।